भाई यहां से रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए। और भाई तो संतरे का पान कर रहा है। वाह जी कैसा संतरे कैसे लगे यहाँ? बहुत बढ़िया। वाह जी पहाड़ों की फूड। वाह 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 गिरा क्यों रहा है? आराम से खा ले। गिर में खाना चाहिए, गिर नहीं जाना चाहिए। भाई अभी रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए रास्ते में, क्योंकि भाई दूसरे बच्चों को भी भूख लगी थी। गाड़ी में है वो दूसरी में, तो भाई उनको बहुत भूख लगी थी। करवाते हैं उनको ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं यहाँ से। और ब्रेकफास्ट करें यहाँ पे गाड़ी रेस्टोरेंट। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट। और ये भाई मेन्यू यहाँ, और हमने दूध दिया आलू पराठा चॉइस। सही है ना? बहुत बढ़िया। और ये भूख से बिलख रहे थे बिलख। और भाई ये रास्ता है नीर वाटरफॉल का, यहाँ से जाते हैं नीर वाटरफॉल, आते टाइम जाएंगे। भाई ब्रेकफास्ट कर लिया सबने, और अब पीछे वाले बंदे भाई चेंज हो गए हमारे। अब गोपाल मसाला, अब ये बना रहा है मावा मसाला, काठियावाड़ी काठियावाड़ी मसाला। सुपारी दे देना हमें। और भाई अब हम निकल लिए हैं आगे की तरफ, अब देखते हैं भाई ट्रैफिक कितना मिलेगा कितना। एक 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 पीस देना बस। लेट्स अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, कितना नहीं। एक पीस ये पॉइंट है भाई, ये है बंजी जंपिंग पॉइंट। यहां होती है बंजी जंपिंग शिवपुरी में, और एंट्री होगी हमारी शिवपुरी में अभी। अभी भाई बीच में रुके हैं हम, और पीछे का व्यू भाई जबरदस्त है। ये देखो भाई व्यू देखो, वाह देखो गाय चल रही है वहां, भैंस चल रही है देखो नीचे। ये देखो भाई यहाँ भैंस गाय चरा रहे हैं, बकरी है शायद, बकरी मैं भी बकरी हूँ भाई, डोंट नो कुछ है वो नीचे यहाँ से चराने गए हैं वो लोग। कहाँ से लेके आए होंगे ये सोच के देखो, इतनी ज़बरदस्त जगह है भाई, पता नहीं कहाँ से वो नीचे लेके गए। अरे ये देखो ना ध्रुव जी नीचे, पर व्यू है जो बस तारीफ करते करते
मैं कह नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं यार हमारे पास, इतना शानदार है। दूसरी गाड़ी भाई हमारी वहाँ है, वो रही शायद, कन्फर्म तो नहीं कह सकते बट लग रही है वो ही होगी। और व्यू तो भाई फैबुलस। ये है भाई अभी दूसरी गाड़ी आने वाली है हमारी, करीबन 15 मिनट वेट किया हमने इनका और ये अभी पहुँचे हैं। ये आ रहे तो भाई अभी पहुंच गए हैं देवप्रयाग हम, और यहाँ दो नदियों का संगम मिलके बनाता है गंगा मैया को, अलकनंदा और भागीरथी। तो भाई यहाँ साइड में गाड़ी रोक के भाई आपको दिखाऊंगा व्यू जहाँ दो नदियां मिलती हैं। मेरे दोस्त भी आगे वेट कर रहे हैं, मैं और ध्रुव जी पीछे रह गए थे, वो बाकी सारे एक ही गाड़ी में ले जाते। दो नदियों का संगम, ये देखो भाई दो नदियों का संगम, अलकनंदा और भागीरथी। ये है भाई भागीरथी नदी, और जो मिट्टी कलर वाली है वो है अलकनंदा, और यहीं से गंगा जी स्टार्ट हुई है एक तरह से। ये कह सकते हैं यही उद्गम स्थल है गंगा का। ये भागीरथी नदी आ रही है भाई बह के, और ये दोनों नदियां मिल गई यहाँ बनाती है गंगा भाई। तो भाई पुराणों के हिसाब से तो यही है कि यहाँ से ही गंगा जी का जो उद्गम स्थल है वो यही माना गया है। कब आता है बारिश में? ये अंकल बता रहे हैं भाई यहाँ तक ये बारिश में पानी आ जाता है, दोनों नदियाँ एक समान हो जाती है, अलकनंदा और भागीरथी बारिश के सीजन में। ये गंगोत्री से इधर से चलो। ये भाई बिल्कुल नीचे आ गए हम यहाँ, ये देखो संगम कितना प्यारा और मधुर नजारा है भाई। नमामि गंगे हर हर। और वो अंकल बता रहे थे यहाँ तक पानी आ जाता है भाई इस मंदिर के ऊपर तक बरसात के सीजन में, और दोनों नदियाँ बराबर होती है एकदम। और वो आ रही है बद्रीनाथ से, ये गंगोत्री से, और यहाँ सोनप्रयाग में गंगा बना रही है भाई। ये भागीरथी वो अलकनंदा, ये भागीरथी है वो अलकनंदा है, वो बद्रीनाथ वो अलकनंदा, वो बद्र अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है, ये गंगोत्री से आ रही है। वाह भाई जबरदस्त, निकलते हैं भाई अभी यहाँ से क्योंकि आगे जाना है बहुत। कोशिश करेंगे आज ही गौरीकुंड पहुँच जाए और वहाँ रूम वगैरह मिल जाए, बाकी जो जो प्रयाग बीच में आएगा वहाँ के भी दर्शन करवाऊँगा भाई, और शाम तक गौरीकुंड पहुँचते हैं। निकलते हैं अभी यहाँ देव प्रयाग से।